सत्रहवीं लोकसभा का चौथा सत्र यानी कि संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ये सत्र दो पालियों में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक चलाया जा रहा है। आज पहले दिन छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह और लोकसभा की बैठक शाम को होगी। दो हफ्तों के मॉनसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई अलग अलग नज़ारों के बीच संसद का मॉनसून सत्र चलाया जाएगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत अन्य दिव्यांगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। आज प्रारंभ हो रहा है, कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था, इस बार भी दिन में दो बार, एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज़्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।